अब ये क्या था कि ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो सकता है। आप देखिएगा, ए ड्रॉपलेट और सॉफ्ट स्पिलवे इज वन विच द वाटर सेंटर्स थ्रो द हॉरिजॉन्टली इंटर्स थ्रो हॉरिजॉन्टली पोजिशन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप राइजर ऑन इनलेट द फ्लो सम टाइप ऑफ द आउटलेट प्रोडक्शन थ्रो द सर्कुलर। अब यहाँ पे साथियों क्या है कि यहाँ पे जो एक इस प्रकार से कहें कि मैकेनिज्म है या फिर कहें कुछ, यहाँ पे हमने कुछ मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि यहाँ पे जो वाटर है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इसके अंदर एक सर्कल के रूप में एक बीच में मान सकते हैं यहाँ पे होल होता है, उसमें यहाँ पे आपका वाटर एंटर करता है और वो जाकर के किसी दूसरे जगह पर आउटलेट के रूप में वो निकलता है। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे इज आइडियली सूटेड टू कंडीशन व्हेन देयर इज नीड टू कंट्रोल द डाउन स्ट्रीम चैनल फ्लो बाय प्रोवाइडिंग द टेम्पोररी स्टोरेज अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ द अर्थन डैम और पाइप स्पिलवे। आप यहाँ पे कहाँ पे इसको यूज करते हैं, जैसे बोला गया कि जहाँ पर हमको डाउन स्ट्रीम जो चैनल है उसको अपस्ट्रीम चैनल के बीच में एक हमको अगर डैम बनाना है, एक हमको एक स्ट्रक्चर बनानी है ताकि उसको हम रोक पाएँ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अपस्ट्रीम, ताकि हम यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा है अपस्ट्रीम और ये हमारा है डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ क्या करते हैं हम यहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए ताकि हमारा यहाँ वाटर भी कुछ कुछ रुका रहे, यहाँ पे स्टोर रहे और साथ में हमारा जो ओवर वाटर है वहाँ पे नीचे चला जाए। तो यहाँ पे हम ड्रॉप इनलेट स्पिलवे इसको मान सकते हैं, स्पिलवे यहाँ पे हम यूज करते हैं। इट इज अडॉप्ट वेयर ड्रॉप इज ग्रेटर देन 3 मीटर, यहाँ पे ड्रॉप मतलब कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है ये वहाँ पर 3 मीटर से ज़्यादा हो तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रॉप 3 मीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आएगी और अगर ज़्यादा हाइट आई हाइट ज़्यादा हो तो यहाँ पे स्कोरिंग हो सकती है अगर डार्ट कर दिए तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको रोका जाता है। द ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द इनलेट, यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे इनलेट होगा, कंड्यूट होगा और एक आउटलेट होगा। वेयर द इनलेट इज फेनल शेप्ड, यहाँ फेनल टाइप में मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका इनलेट होगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग ग्लोरी और ग्लोरी होल स्पिलवे। अभी मैं इसको दिखाऊंगा क्या होता है, आप यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा आप समझ में आ जाएगा पूरा, आपको यहाँ से क्लियर हो सकता है यहाँ पे क्या क्या हम बातें करने वाले हैं। तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये बात करते हैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या करता है वाटर यहाँ पे इंटर करता है, यहाँ पे इंटर करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अप स्ट्रीम है, इसके जस्ट साइड क्या है डाउन स्ट्रीम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर भी रहे, इस एरिया में कुछ वाटर स्टोर भी रहे और कुछ वाटर हम जो वहाँ पे एक्सेस वाटर है उसको हम नीचे डाउन स्ट्रीम में ले चले जाएँ। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो इसका इनलेट है किस प्रकार से फनल टाइप का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स हुए हैं, अब यहाँ पे जब वाटर एक्सेस होगा इससे यहाँ तक फिल होगा, फिर उसके बाद जब इससे ज़्यादा एक्सेस होगा तो यहाँ पे फनल में इंटर कर जाएगा, फिर दूसरे साइड यहाँ पे निकल जाएगा डाउन स्ट्रीम में। उसके लिए यहाँ पे क्या क्या देखिए क्या क्या इक्विपमेंट है, देख सकते हैं ये हमारा इनलेट होता है, इनलेट क्या है जहाँ से हमारा वाटर हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करता है, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कंड्यूट होती है पाइप कंड्यूट, जिसके द्वारा हम वाटर को यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में ले जाते हैं, फिर यहाँ पे एक आउटलेट होता है। इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा हम यहाँ पे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ध्यान दीजिएगा साथियों क्या है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे है, अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप स्पिलवे की बात नहीं करें वो अलग चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो सकता है और साथ ही ये भी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ये ड्रॉप ये ऐसा है और दूसरा ऐसे सीधे हो सकता है। अभी इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एक हो सकता है यहाँ पे ड्रॉप इनलेट हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट ड्रॉप है, एक यहाँ पे हो सकता है ग्रेडेड, यहाँ पे क्या हो जाए ग्रेडेड के द्वारा ऐसे सीधे जा सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से यहाँ पे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे हो सकते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज क्या क्या है तो ये ध्यान दीजिएगा, अरे साथियों हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के, मानता हूँ साथियों ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि मेन टॉपिक में जो यूनिट 2 में लगा वो यही चीज़ लगा जो हमको डिटेल में डिस्कस करनी है, बाकी आप इसको आराम से लिख सकते हैं कभी एग्जाम में आए तो, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज में ये सारी चीज़ें हैं जो हमको डिटेल में पूछी जा सकती हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर आर यूज इन गलीज टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम पार्ट टू क्रिएट स्टोरेज वाटर, अब यहाँ पे क्या है हम इसको डाउन स्ट्रीम क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम के बाद में जो हमारा अपस्ट्रीम है वहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे इसको क्रिएट किया जा सकता किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर नॉट ओनली हेल्प द प्रोटेक्ट द गोलेज बट आल्सो क्रिएट द वाटर स्टोरेज, जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे गोलेज मतलब की है इरोजन को ही नहीं रोकते, तो मान लीजिए डाउन स्ट्रीम अब जैसे मैंने बताया 3 मीटर से ज़्यादा होता है, अब यहाँ से ऊपर 3 मीटर अगर वहाँ से हम वाटर को डायरेक्ट कर दिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर जो वहाँ सारी रोड होगा गली बनेंगे, यहाँ सिर्फ उसको नहीं रोकता बल्कि यहाँ पे ऊपर हम वाटर भी स्टोर कर सकते हैं इस मेथड से। द स्टोर वाटर कुड बी यूजफुल फॉर द इरीगेशन एंड अदर फार्म यूज परपजेज, जो जहाँ पे जो वाटर स्टोर हुआ है उसको कई जगह हम यूज कर सकते हैं, कई फार्म में यूज कर सकते हैं।
ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर विल हैव अ रिटार्डिंग इफेक्ट ऑन द डाउनस्ट्रीम फ्लोज, ए रिडक्शन इन द सेडिमेंटेशन लोड लोड कुड आल्सो अकर। यहाँ बोला गया कि अगर हम कई सारे नंबर ऑफ यहाँ पे इनलेट लगा दिए तो यहाँ क्या होगा, उसके रिटार्ड डाउन स्ट्रीम फ्लोज में क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग इफेक्ट आएगा, यानी हमारा जो यहाँ पे अकरिंग इफेक्ट है, जो यहाँ पे सॉरी यहाँ जो सेडिमेंट लोड है वो भी कम हो जाएगा, मतलब यहाँ इसमें सेडिमेंट ज़्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ जो सेडिमेंट होंगे नीचे यहाँ पे कलेक्ट रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ समझ सकते हैं इस प्रकार से कई सारी चीज़ है यहाँ पे, इसको ध्यान दे सकते हैं। यहाँ बोला गया दे आर डब्ल्यू एज गुली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर फॉर द स्टेबलाइजेशन एंड द कंट्रोल इन एडवांसिंग गुली हेड्स व्हेन द गुली इज मोर देन 3 मीटर डीप, जहाँ 3 मीटर डीप ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको हम यूज कर देते हैं। और दे आर रिलेटिवली सिंपल टू बिल्ड, और ये आसानी से बनाए सकते हैं, इसका बिल्डिंग बिल्डिंग प्रोसेस भी आसान है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल ईजी है।